हे स्टूडेंट, वेलकम वंस अगेन टू योर ऑनलाइन क्लासेस। बच्चों, इस वाले वीडियो में हम एक्सरसाइज 3H का क्वेश्चन नंबर 10, 11 से लेकर के 14 तक के जो क्वेश्चंस हैं, ठीक है, उनको आपको सॉल्व करना सिखाएंगे। और हमेशा की तरह जो मैंने प्रीवियस वीडियोस बनाए थे या फिर जो मैं नेक्स्ट वीडियोज़ बनाऊंगा, उन सभी का लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, इस चैप्टर के या फिर किसी और चैप्टर के भी अगर आपको चाहिए तो। यानी कि आपको बार बार सर्च करके ढूंढने की परेशान होने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको सारे लिंक्स मिल जाएंगे। ओके, तो ये स्टार्ट करते हैं और क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व करना शुरू करते हैं। पहले तो देखो क्या है, क्वेश्चन नंबर 10 रीड किया जाए। व्हाट लीस्ट नंबर मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 176 टू मेक इट अ परफेक्ट स्क्वायर। 176 में से क्या सब्ट्रैक्ट किया जाए ताकि एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो इस टाइप से क्वेश्चन हमने एक्सरसाइज 3E में आपको डिटेल में एकदम समझाया है कि कैसे सॉल्व किया जाता है, स्टेटमेंट कैसे लिखना है। बाकी यहां पर चूंकि दोबारा से ये क्वेश्चन आया है तो हम क्या करेंगे, इसको ऐसी ईजिली तरीके से सॉल्व करना शुरू करेंगे। देखो, सबसे पहले हमको क्या नंबर दिया गया है, 176। तो हम क्या करेंगे, 176 को ये हमारा जो लॉन्ग डिवीजन मेथड है ना, उससे डिवाइड करके देखेंगे कि इसमें कितना रिमाइंडर बच रहा है। तो जितना रिमाइंडर बचता है उसी को क्या किया जाता है, सब्ट्रैक्ट कर दिया जाता है। उससे जो हमें मिलता है नंबर ना, वही क्या होता है, हमारा एक परफेक्ट स्क्वायर रहता है। तो चलो इसको हम लोग सॉल्व करना सीखते हैं। पहले तो आपको मैंने पहले भी से सिखा दी है इसे सॉल्व करना, फिर भी हम एक बार फिर से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हमको क्या करना पड़ता है, राइट साइड से टू टू प्लेस का पेयर बनाना पड़ता है, टू डिजिट का। तो ये पेयर बना और एक ये तो पेयर बन नहीं रहा है, तो हम इधर से ही सॉल्व करना शुरू करेंगे। यहाँ पर हमारे पास वन है, तो वन किसका स्क्वायर होता है, वन जो है वन का ही स्क्वायर होता है। वन वन जो हमारा वन आ जाता है, यहाँ पर ये माइनस होगा तो जीरो आ जाएगा और ये सेवन और सिक्स उतर जाएंगे। उसी तरीके से रूल क्या है कि जितना का आपने ऊपर मल्टीप्लाई किया है ना, उसी को उतना ही को ऐड किया जाए। तो यहाँ पर हमने वन का मल्टीप्लाई किया है तो हम यहाँ पर वन को ऐड करेंगे, तो वन वन हो जाएगा हमारा टू। अब देखो हमारे पास कितना आ गया, टू आ गया। अब क्या करना है कि यहाँ पर एक ऐसा नंबर लिखना है और यहाँ पर जो नंबर लिखेंगे वही नंबर हमको यहाँ पर भी लिखना पड़ेगा। मान लो यहाँ पर मैं वन लिखता हूँ तो यहाँ पर भी वन लिखना पड़ेगा, तो 21 बन जाएगा और 21 बन जाए 21 हो जाएगा, जो कि इससे बहुत ज़्यादा छोटा है। हम टू लेकर देखते हैं, तो टू ले लेंगे तो यहाँ पर हमारा कितना हो जाएगा, टू। तो 22 टू जाए 44 हो जाएगा, ठीक है। अगला अगर हम यहाँ पे 3 लिखते हैं, चेक कर लेते हैं, 3 मल्टीप्लाई है ना 23 बन जाएगा, उसका 3 के मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 जा 9 और 3 जा 6, यानी कि 69 आ जाएगा। ये इससे एकदम क्लोजेस्ट है। अब इसके बाद अगर हम 4 लेते हैं तो वो ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, तो हम यहाँ पर 3 ले लेंगे, ठीक है। तो यहाँ भी 3 लिख लेंगे और 23 जा हमारा हो जाएगा 69। इसको सब्ट्रैक्ट कर लो, 16 में से 9 माइनस हुआ तो 7, 6 में से 6 माइनस हुआ तो कुछ नहीं, यानी कि ये 7 जो है ना हमारा रिमाइंडर बच गया। और यही जो रिमाइंडर है ये एक्स्ट्रा नंबर है, यानी कि अगर ये हमारा रिमाइंडर नहीं आता तो ये जो नंबर था हमारा ना परफेक्ट स्क्वायर बन जाता। यानी कि अगर हम इसमें से 7 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे ना तो ये हमारा एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 7। इज दैट क्लियर, ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व। अगला कौन सा क्या है कि व्हाट लीस्ट नंबर मस्ट बी एडेड 526 में क्या ऐड किया जाए ताकि वो हमारा परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर जो 11 है उसमें भी सेम क्वेश्चन है, बस वहाँ पर ऐड करने के लिए पूछ रहा है। तो ये भी इसी तरीके से बनता है, बस लास्ट में एक चेंज होता है। यानी सबसे पहले हमको इस तरीके से रिमाइंडर तो फाइंड कर ही लेना है। देखो 526 है, इसको जैसे सॉल्व करना शुरू करते हैं, टू का पेयर बन गया, इसका पेयर नहीं बन रहा है, हमको वैसे इधर से सॉल्व करना है, स्टार्ट करना है। तो 5 तो किसी का स्क्वायर होता नहीं है, लेकिन ये इसे छोटा नंबर ले लेते हैं 4 जो होता है 2 का स्क्वायर होता है। तो यहाँ हो जाएगा हमारा 2 जब 4, 5 में से 4 माइनस हुआ तो आ गया 1 और ये 26 जो है ये यहाँ पर उतर जाएगा। उसी तरीके जितना का हमने ऊपर मल्टीप्लाई किया है यहाँ ऐड कर देंगे, तो 2 हमारा कितना हो जाएगा, यहाँ पर 4 हो जाएगा। अब कुछ ऐसा नंबर यहाँ पर लिखो ताकि उसका मल्टीप्लाई हम उतनी ही से करें तो इतना हमारा आ जाए या फिर इससे कम आ जाए। तो अगर मैं यहाँ पर मान लो 4, यहाँ पर 3 लिखता हूँ, ठीक है, यहाँ पर से हमारा 3 टाइम पे आया था ना, तो यहाँ पर फिर से मैं 3 से चेक करता हूँ, 43 बन जाएगा, तो उसका 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 जा 9 हो जाएगा और 3 जा 12 आ जाएगा 129, जो कि इससे बड़ा है। तो हम क्या करेंगे, 2 लिख लेते हैं। तो यहाँ पर अगर मैं 2 लेता हूँ तो यहाँ पर भी 2 हो जाएगा, तो हो जाएगा 2 जा 4 और 2 जा 8, यानी कि 84। अब इसको सब्ट्रैक्ट कर लो तो हो जाएगा हमारा 6 में से 4 माइनस हुआ तो 2, यहाँ पर 12 में से 8 माइनस हुआ तो 4, 42 आ गया हमारा, कोई दिक्कत नहीं है। अब आपका ये देखो क्या हो गया, रिमाइंडर बच गया है, क्योंकि अगर हम इसके बाद अब यहाँ पर 2 ऐड करते हैं ये वाला, तो ये कितना बन जाएगा, 42 और 2 44 हो जाएगा, जो कि इससे बड़ा है। और उसके बाद तो कुछ नंबर उतारने के लिए है ही नहीं, इसका मतलब ये हो गया हमारा रिमाइंडर। लेकिन अब हमको यहाँ पर रिमाइंडर में ध्यान नहीं देना, अब हमको किस में ध्यान देना है, जो हमारा क्वेश्चन आया है ना उसमें ध्यान देना है। क्वेश्चन कितना आया है, 22 आया है, यानी कि अगर हम इस नंबर में कुछ ऐसा नंबर ऐड कर दें तो वो क्या बन जाएगा, 23 का, मतलब इसके बाद जो नेक्स्ट नंबर रहता है ना, जस्ट नेक्स्ट नंबर, उसका स्क्वायर बन जाता है। समझा रहे हैं बात ना, आप प्रैक्टिस करोगे और पिछले वाला वीडियो जरूर देख लेना 3 वाला, वहाँ पर मैंने आपको एकदम डिटेल में समझा दिया है। यहाँ पर हम थोड़ा जल्दी जल्दी सॉल्व करेंगे क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन हैं। तो यहाँ पर हमारा जो अगला नंबर होता है इसका, उसी का ये स्क्वायर बनने वाला है। तो इसका अगला नंबर कौन सा होगा, 22 का, उसका अगला नंबर होता है 23। तो 23 का स्क्वायर कितना होता है, मल्टीप्लाई करके चेक कर लेते हैं, 23 मल्टीप्लाई 23, 3 जा 9 हो जाएगा, 3 2 जा 6 हो जाएगा। उसी तरीके से 2 3 जा 6 और 2 2 जा 4 हो गया, तो हो जाएगा 9, 12 का 2
कैरी हो गया 1 और ये हो जाएगा 4 और 1 5। तो अगला जो हमारा स्क्वायर नंबर है वो कितना है, 529 है। देखो हमारे पास कितना था यहाँ पर नंबर, 526 था ना, और अगला नंबर कितना है, 529 है। यानी कि हम इसमें कितना ऐड करेंगे, 3 और ऐड कर देंगे, तो हमारा ये जो नंबर है एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। तो हमसे ये बोला था ना कि कम से कम कितना ऐड किया जाए, तो कम से कम हमको यहाँ पर 3 ऐड करना पड़ेगा। तो इसका जो आंसर होगा वो 3 हो जाएगा। देखा कितना सिंपल है, यानी कि आपको इसमें क्वेश्चन को देखना है और क्वेश्चन के जस्ट नेक्स्ट वाले नंबर में पहुँच जाना है और उसका स्क्वायर निकाल लेना है, और उसके स्क्वायर में से जो नंबर हमको दिया है उसको माइनस कर दो, यानी कि 529 में से 526 माइनस कर दो, तो आपको पता चल जाएगा कि आपको कितना ऐड करना है। तो यहाँ तो हमारे एकदम पास में ही था, एकदम छोटा सा नंबर था 3 ऐड करने के लिए, मान लो थोड़ा दूर रहता है यानी कि ज़्यादा बड़ा नंबर आंसर आता तो माइनस करके चेक कर लेते कितना ऐड करना है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 11 भी सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 12 भी क्या है, सेम टू सेम है, व्हाट लिस्ट नंबर मस्ट बी एडेड, क्या नंबर ऐड किया जाए 15370 में ताकि वो हमारा परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। आइए यहीं पर इसको भी हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 को भी नंबर क्या दिया हुआ है हमें यहाँ पर, 15370, इसमें ही बोला है क्या ऐड किया जाए, यानी कि इसी तरीके से ये भी बनेगा। तो देखो यहाँ पर 2 का पेयर बन गया, ये भी 2 का पेयर बन गया, 1 का पेयर नहीं बन रहा है, 1 से ही स्टार्ट करेंगे हम, 1 जो हो जाएगा हमारा 1, सब्ट्रैक्ट किया जाए तो ये हो जाएगा कैंसिल, और यहाँ पर 5 और 3 उतर जाएंगे, और ये 1 और ये 1 मिल करके 112 हो जाएगा। तो यहाँ पर 2 लिख लो, अब यहाँ पर अगर हम 1 लिखते हैं तो 21 जो 21 हो जाएगा, तो कम से कम 2 ले लेते हैं, तो हमारा क्या हो जाएगा 22 जो 44, सब्ट्रैक्ट कर लो तो यहाँ पर हमारा कितना आ जाएगा 6, और इधर से 9 हो जाएगा, 53 में से 44 माइनस होकर के, इज दैट क्लियर। और इधर से ये 7 और 0 भी उतर जाएंगे। अब ये हमारा 22 और ये 2 ऐड कर दिया जाए तो ये आ जाएगा हमारा 24। अब यहाँ पर हमको क्या करना है, इस नंबर में कुछ यहाँ पर ऐसा कुछ डिजिट लिखना है जिससे इसका हम मल्टीप्लाई करें तो हमारा इतना या फिर इससे कम आ जाए। ठीक है, यानी कि इससे छोटा नंबर आ जाए। तो मान लो यहाँ पर अगर मैं 2 लिखता हूँ तो ये कितना बन जाएगा, 242 हो जाएगा, उसका मल्टीप्लाई हम 2 से करेंगे तो 22 जो 4, 24 जो 8, और ये हो जाएगा 22 जो 4, यानी कि बहुत कम हो जा रहा है इससे। अब हम लोग यहाँ पर डायरेक्ट 4 से चेक करते हैं, यानी कि 2, 4 और 4 बनाता हूँ मैं अगर इसको, तो 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4, 4 जो 16 का 6 कैरी हो गया 1, 4, 4 जो 16 और 1 17 का 7 कैरी हो गया 1, 4, 2 जो 8 और 1 9, तो ये जा रहा है ज़्यादा बड़ा 976। तो हम क्या लेंगे, 3 ले लेंगे इसके बीच वाला, यहाँ साइड में मल्टीप्लाई करके देख लो, 4, 2, 4, 3 का मल्टीप्लाई 3 से होगा तो 3, 3 जो 9, 3, 4 जो 12 का 2 कैरी हो गया 1, 3, 2 जो 6 और 1 7, यानी कि 729 आ जा रहा है। तो यहाँ पर हम 3 ले लेंगे तो यहाँ भी 3 हो जाएगा और हमारा 729 आ जाएगा। माइनस करने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमको आंसर लगभग मिल ही गया। देखो यहाँ पर 123 आ गया है ना, और ये क्या होगा, इसके बाद जो हम माइनस करेंगे तो रिमाइंडर बच जाएगा, तो हमको रिमाइंडर से मतलब तो है नहीं। यहाँ पर हम 123 आ गया तो जस्ट इसके बाद वाला नंबर में पहुंच जाओ, इसके बाद वाला नंबर कौन सा होगा, 124 होगा। तो यहाँ पर हम 124 का स्क्वायर निकाल करके देख लेते हैं कितना होता है। ये हो जाएगा हमारा 4, 4 जो 16 का 6 कैरी हो गया 1, 4, 2 जो 8 और 1, 9, फिर 4, 1 जो 4 हो जाएगा, 2, 4 जो 8, 2, 2 जो 4 और 2, 1 जो 2, फिर से 1, 4 जो 4, 1, 2 जो 2 और 1, 1 जो 1, ये हो गया 6, ये हो जाएगा 17 का 7 कैरी हो गया 1, ये हो जाएगा 12 और 1, 13 का 3 फिर से कैरी हो गया 1, ये हो जाएगा 5 और ये हो गया 1। तो कितना होगा 124 का स्क्वायर, 15376, और हमारे पास नंबर कितना है 15370, यानी हम और कितना ऐड करें ताकि ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, तो हम इसमें केवल 6 अगर ऐड कर देते हैं ना तो हमारा 76 हो जाएगा और ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। यानी कि इसका जो आंसर होगा वो कितना होगा, 6 होगा। अगर हम 6 ऐड कर देते हैं तो हमारा 15370 जो होगा परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा, इज दैट क्लियर। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 12 भी सॉल्व। आइए अब क्वेश्चन नंबर 13, 14 है उन्हें भी सॉल्व कर लेते हैं जल्दी से। देखो क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, यहाँ पर हमें दिया हुआ है 0.9। ठीक है, अगर केवल 9 दिया रहता तो कितना सिंपल हो जाता है, ये 3 × 3 = 9, यानी कि इसका आंसर 3 हो जाता। बट यहाँ पर अब 0.9 दिया है तो इसका आंसर में इस बहुत सारे, केवल आप तो देखो क्लास 8 के बच्चे हो, क्लास 12 से आगे तक के बच्चे जो होते हैं ना, जो कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारी करते हैं, वो भी इसमें कन्फ्यूज हो जाते हैं, वो क्या टिक लगा देते हैं, ये सब 3 या फिर 0.3 या फिर 0.3, यानी कि इन किसी को इसका ध्यान ही नहीं आता कि इसका आंसर कुछ और भी हो सकता है। अब देखो इसका जब हम आंसर फाइंड करेंगे ना तो एकदम अलग आंसर आएगा। यहाँ पर हमारे पास 0.9 है तो इसको कैसे फाइंड किया जाएगा, लॉन्ग डिवीजन मेथड से फाइंड किया जाता है। इसी लॉन्ग डिवीजन मेथड सीखना बहुत ज़्यादा जरूरी है, स्किप एकदम मत करना, स्किप मतलब कि ये वाला वीडियो नहीं बोल रहा हूँ मैं, यानी कि लॉन्ग डिवीजन मेथड जो हमारा एक्सरसाइज है ना उसको बिल्कुल भी स्किप मत करना, उससे जरूर सीख लेना। 0.9 है, हमारे पास 0 आ गया पहले से ही, तो हम यहाँ पर 0.0 इस तरीके से पहले से लगा लेंगे। ठीक है, अब हमारे पास 9 है और हमको डेसिमल के बाद आंसर निकालना है ना, तो अब क्या करना पड़ता है पता है, यहाँ पर हमको पेयर बनाने पड़ते हैं 0 0 लिख करके। यहाँ पर कम से कम 2 से 3 पेयर आप बना लो ताकि आपका जो काम हो आसान हो जाए, इस तरीके से पेयर बनाया जाता है। ये मैंने आपको कौन सा एक्सरसाइज में सिखाया था, 3G से पहले 3F में सिखाया, ये वाला ये क्वेश्चन में 3F का 9, 10 और 11 यहाँ पर मैंने सिखाया था ना, उसी टाइप से ये क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, यहाँ पर पेयर बना लिया हमने 0 0 का, उससे अब क्या होगा, अब हमको सॉल्व करने में आसानी होगा। पहला नंबर कितना आ गया हमारे पास,
90 बन गया, तो अब हमको पता है कि 90 तो किसी का स्क्वायर नहीं है, लेकिन 90 से छोटा 81 जो होता है वो 9 का स्क्वायर होता है, तो हम यहाँ पर ले लेंगे 9, तो 9 जो हो जाएगा हमारा 81, ठीक है, बच जाएगा यहाँ पर से हमारे पास 90 में से 81 माइनस होता है कितना बच गया, 9 बच गया। अब हम इन दोनों जीरो को यहाँ पर उतार देंगे, और ये हम जानते हैं कि ऊपर जितना मल्टीप्लाई किया जाता है उतने इसमें ऐड करते हैं, तो 9 हो जाएगा हमारा 18। अब ये चूंकि 18 बन गया है, तो 18 का हम कितने से मल्टीप्लाई करें कि हमारा यहाँ पर मतलब कौन सा नंबर लिखें कि इसके आसपास पहुँच जाए, तो अगर मैं मान लो यहाँ पर 4 लिखता हूँ, चेक कर लेते हैं, 184 बन जाएगा, और इसका हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 900 तो नहीं आने वाला, ज़्यादा कम हो जाएगा, इसको हटाओ। उसके बाद अपन 6 देके देखते हैं, 186 अगर इसको बनाएं तो इसका 6 से मल्टीप्लाई होगा, 6 हो जाएगा 36 का 6 कैरी हो गया 3, 6 8 जा 48 और 3 51 का 1 कैरी हो गया 5, 6 हो जाए 6 और 5 11, अरे ये तो ज़्यादा हो गया, यानी कि हमारा 4 टाइम पे आने वाला था, मैं गलती कर दिया, ठीक है। इसको हम 4 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं, 4 जा 16 का 6 कैरी हो गया 1, 4 8 जा 32 और 1 33 का 3, फिर कैरी हो गया हमारे पास 3, 4 1 जा 4 और 3 हो जाएगा कितना, तो 4 1 जा 4 और 3 7, यानी कि 736 आ रहा है 4 टाइम पे, 5 टाइम पे भी करके देख लो, यानी कि उसको 185 अगर हम बना लेते हैं तो 5 टाइम पे कितना आएगा, तो 5 जा 25 का 5 कैरी हो गया 2, ये हो जाएगा 40 और 2 42 का 2 कैरी हो गया 4, 5 जा 5 और 4 9, ये बड़ा हो जा रहा है, यानी कि हमको 4 टाइम ही लेना है, जो मैंने स्टार्टिंग में प्रेडिक्ट किया था वो एकदम बिल्कुल सही था। तो यहाँ पर 4 लिखेंगे, यहाँ पर भी 4 लिखेंगे, और ये हो जाएगा हमारा 736। अब आप यहाँ पर इसके आगे चाहो तो बना भी सकते हो, और नहीं तो आपको अगर साफ साफ यहाँ दिख रहा होगा, ठीक है, यहाँ पर अगर आप आगे चाहो ना तो 3 डिजिट के बाद एक अगला नंबर भी आप स्टेप कर सकते हो यूज़, नहीं तो यहाँ पर साफ साफ आपको ऑप्शन में मिल जाएगा कि 0.94 जो है ऑप्शन में दिया हुआ है, तो सीधे इतना ही सॉल्व करो और इसमें टिक लगा दो, बाकी आगे और ज़्यादा कैसे सॉल्व करना है सेम यही मेथड होता है। और अगर आपको जानना है कैसे सॉल्व करना है तो ये मैंने 3F का नीचे लिंक दे दिया, आप 3F के लिंक से जाकर के देख सकते हो, 3F का क्वेश्चन नंबर 9, 10, 11 वाला जो वीडियो है ना उसमें मैंने डिटेल में आपको और अच्छे से समझा दिया है। तो यहाँ पर हम इतने ही स्टॉप करेंगे इसको, यानी कि ये वाला हमारा जो आंसर होगा 0.94 होगा अंडर रूट 9 का। सेम टू सेम हम जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14 उसका भी अंडर रूट निकाल लेते हैं, ठीक है। कितना दिया हुआ है हमें, अंडर रूट में 0.1 दिया हुआ है। चलो जल्दी से लॉन्ग डिवीजन मेथड यूज़ किया जाए, और यहाँ पर हमको पता है कि जब 1 दिया हुआ है और डेसिमल वाला नंबर है तो हमको इसका पेयर बनाना पड़ता है इस तरीके से, और यहाँ पर हम 2 ही पेयर बना लेंगे क्योंकि हमको जो डेसिमल, अच्छा नहीं, यहाँ पर 3 डिजिट भी दिया हुआ है ना, तो हमको तीसरा पेयर भी बना लेना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर हमारे पास जो ऑप्शन दिया हुआ है उसमें 3 डिजिट भी दिया हुआ है। तो अब चलो इसको सॉल्व करना शुरू करो, 0 पहले से है तो 0 डेसिमल लगा लो पहले से। अब आ गया हमारे पास 10 किसी का स्क्वायर नहीं होता है, उससे छोटा 9 जो होता है 3 का स्क्वायर होता है, तो 3 जो हो गया 9 बच जाएगा 1, और जितना का हमने ऊपर मल्टीप्लाई किया उतना ही को ऐड कर देंगे, तो 3 और 3 हो जाएगा 6। अब ये 2 जीरो उतर जाएंगे, तो अगर यहाँ पे 2 लिखता हूँ तो ये 62 जा कितना हो जाएगा 120 हो जाएगा, जबकि हमारे पास 100 ही है, तो हम यहाँ पर 1 लिखेंगे तो 61 जा 61 आ जाएगा। बच कितना जाएगा यहाँ से, 100 में से 61 माइनस हो तो 39 ही आएगा, क्योंकि 60 माइनस होता है 40 आता है, तो यहाँ 39 आ गया। अब हमको यहाँ पर दूसरा डिजिट उतार देना है, तो ये 2 जीरो और उतार दो, और यहाँ पर हमने 1 ऊपर ऐड किया मल्टीप्लाई किया था तो यहाँ ऐड कर देंगे, तो ये हमारा हो जाएगा 62। इज़ दैट क्लियर। अब 62 का मल्टीप्लाई कितना टाइम किया जाए कि हमारा जो है इसके आसपास पहुँच जाए, तो देखते हैं। यहाँ पर अगर मैं मान लूँ मैं 5 लिखता हूँ, 625 का मल्टीप्लाई 5 से होगा तो कितना आएगा हमारा, ये हमारा 25 के आसपास कुछ आता है, चेक करते हैं। 5 जा 25 का 5 कैरी हो गया 2, 5 2 जा 10 और 2 12 का 2 कैरी हो गया 1, 5 6 जा 30 और 1 31, यानी इतना आ रहा है। अगर आप यहाँ पे 6 लिखते हैं तब कितना आएगा, तो ये हो जाएगा 626 मल्टीप्लाई में 6, ठीक है। अगर हम यहाँ पे 6 लिखेंगे तो यहाँ पे हमको 6 लिखना है। अगर आपको अभी तक लॉन्ग डिवीजन मेथड पता नहीं है तो जरूर देख लेना, मैंने डिटेल में 3D में शायद बताया है, 3D या 3 जिसमें भी था लॉन्ग डिवीजन मेथड ना, वहाँ पर मैंने आपको एकदम अच्छे से समझा दिया है, ठीक है। 6 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं, 6 जा 36 का 6 कैरी हो गया 3, 6 2 जा 12 और 3 15 का 5 कैरी हो गया 1 और फिर 6 जा 36 और 1 37, तो इसके पास पहुँच गया ना, यानी कि यहाँ पर हमको 6 लिखना है और यहाँ भी 6 ले लेना है, तो ये हमारा हो जाएगा 375 और 6। अब इसको आप सब्ट्रैक्ट करो तो भी ठीक है, और अगर सब्ट्रैक्ट करके रिमाइंडर नहीं निकालते हो तो भी हमको, तो यहाँ पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, केवल आंसर से मतलब है। तो देखो आंसर आ गया ना हमारा 3 डेसिमल के बाद 316 आया था ना, डेसिमल 316, तो इसका जो ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आई होप आपको अच्छे समझ में आ गया। और मेन देखो 3H का जो हमारा एक्सरसाइज है ना, उसमें मेन क्वेश्चन हमारा 9, 10 से लेकर के ये 14 तक के जो क्वेश्चन है ना यही है, उसके बाद के और उससे पहले के जो क्वेश्चन है एकदम सिंपल क्वेश्चन हैं, ठीक है। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पर मैं आपको जो बाद के सिंपल क्वेश्चन है 15 से लेकर के 19 तक उनको समझा दूंगा, ठीक है। वो जल्दी से ही आपको सॉल्व हो जाएगा, इतना लंबा वीडियो भी नहीं बनेगा। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।